पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बैठियो भैया बैठियो इधर यादव जी को मैं सादर आमंत्रित और आपके बीच में हमारे साथ आपके विधायक और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सचेतक मनोज पांडे जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक राहुल लोधी जी, दूसरे विधायक श्याम सुंदर भारती जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जिनकी ग्राम सभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रधान बीनू सिंह जी, बिन्नू सिंह जी, मुन्ना यादव, मंच पर उपस्थित चेयरमैन शाहीन सुल्तान शिवराम यादव जी से लेकर के, मैं सबसे पहले इस विधानसभा के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि जिन्होंने मनोज पांडे जी को जिता करके विधानसभा में पहुंचाया। जिस समय चुनाव हो रहा था मुझे याद है मैं क्रांति रथ से भी यहां पर आया था और क्रांति रथ से जब आया तो ऐसा महसूस हुआ कि इस बार सबसे ऐतिहासिक वोटों से मनोज पांडे जी यहां से जीत करके जाएंगे। लेकिन विरोधी पार्टियों ने जो साजिश और षड्यंत्र और जिस तरीके का चुनाव प्रचार किया, उन्होंने जो घेरने का काम किया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको कि तमाम तरह की साजिश करने के बाद भी आप सबने मिलकर के समाजवादी पार्टी को अच्छे वोटों से जिता करके जहां हमारी सरकार बननी थी समाजवादियों की, कुछ कुछ वोटों से हम लोग पीछे रह गए। लेकिन मुझे खुशी है कि रायबरेली जिले ने समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक सीटें देने का काम किया। एकाध सीटें तो हम लोग पीछे रह गए हैं, लेकिन ऐसा रायबरेली में जनता ने समर्थन दिया, अगर हमारी थोड़ी बहुत और कोशिश हो जाती तो पूरे की पूरी रायबरेली समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई देती। हालांकि हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आपने विधानसभा में देखा होगा जो सरकार दूसरी बार बनी है उसको अगर कोई घेरने का काम कर रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं। उस सरकार को जो बहुमत की सरकार है, जिसके साथ दिल्ली की सरकार भी है, और ये सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, अगर कोई उनसे टकरा रहा है तो विधानसभा में आपने देखा होगा कौन लोग टकरा रहे हैं उन लोगों से। अगर टकराने का काम कोई कर रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं, और जिस तरह के आंकड़े सामने दे रही है सरकार, उन्होंने तो सपना दिखाया था कि हमारे गरीब खुशहाल हो जाएंगे, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, कोई नौजवान बचेगा नहीं जिसको नौकरी नहीं मिल जाएगी, महंगाई को रोक लेंगे, गाय माँ को इतनी सेवा करेंगे कि सड़कों पर नहीं दिखाई देंगी। लेकिन आज आपके सामने स्थितियां दिखाई दे रही होंगी। आज हम रायबरेली में आपके बीच में आए हैं, आप महंगाई खुद महसूस कर रहे होंगे, बेरोजगारी खुद महसूस कर रहे होंगे, और जो सरकार दावा करती थी कि हम गरीबों की चिंता करेंगे, वो आज गरीबों की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो केवल उद्योगपतियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस उद्योगपति की सबसे ज्यादा मदद की इन्होंने, जिसको हर तरीके से सहयोग किया, उन्हें अगर कानून बनाकर के भी मदद करनी पड़ी, और जिस समय सब कारोबार उद्योग बंद थे तो आपको याद होगा
दुनिया में भारत का एक उद्योगपति आगे बढ़ता चला जा रहा था, नंबर दो तक पहुंच गया। लेकिन नंबर दो के बाद ऐसे ही रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आने के बाद वो पता नहीं कहां पर उद्योगपति पहुंच गया। आज कोई नहीं जानता कि वो किस नंबर पर है। आपको तो याद होगा कि कौन दो नंबर पर पहुंचा था? अडानी। ये दो नंबर बहुत खराब है। अगर दो नंबर बोले तो ठीक लगता है, अगर उसको थोड़ा सा बदल दे दो नंबर ही कहते तो बताओ क्या समझा जाता है। जो उद्योगपति दो नंबर पे थे आज बताओ कहां पहुंच गए? दो नंबर। आज उनकी गिनती नहीं हो रही है, और गिनती भी कैसे हो, क्योंकि जिस तरीके से नकली उनको आगे बढ़ाया गया था, सब संसाधन जुटा दिए थे सरकार ने, तब जाकर के नंबर दो पर पहुंचे। और अगर आप अभी के जो 6 साल सरकार ने बनाए, तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पूरी बेरोजगारी खत्म कर दी है, अब बेरोजगारी दर केवल 4.2 है। ये बेरोजगारी दर बता रहे हैं कि 4 कुछ है, वो इसलिए बता रहे हैं कि हमारा गरीब जान ही नहीं रहा है कि आखिरकार ये क्या है बेरोजगारी दर। अगर हम इसका मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं तो बेरोजगारी दर का मतलब ये हुआ कि 100 केवल 4 बेरोजगार हैं। कोई यकीन कर सकता है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हो कि केवल 100 बेरोजगार हैं? अगर मुख्यमंत्री किसी गांव में चले जाएं तो वो पाएंगे कि पूरा का पूरा गांव बेरोजगार है, उसके पास कोई नौकरी और रोजगार नहीं है। अभी जब सरकार ने छठी मनाई तो सरकार ने कहा कि हमने प्रति व्यक्ति आय दोगुनी कर दी। हमें कोई बता दे किस व्यक्ति की आय दोगुनी हुई है? यहां अगर किसान बैठे होंगे तो बताओ किसान भाइयों आपकी कितनी आय हो गई? क्या पैदावार की कीमत मिल गई आपको? क्या जो फसल आपने खेत में पैदा की थी उसकी कीमत सरकार दे पाई? ये जो धान, धान तो ऐसे ही बिक गया हमारा, और जो गेहूं की खरीद की तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हुई है तैयारी। गेहूं की तैयारी नहीं की खरीद की है कि उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस दे दिया। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो आड़तियों के माध्यम से पूरा गेहूं लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि किसान को थोड़ी बहुत कीमत मिली जा रही है, इसलिए किसान उस बात की चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन जो शहर में जो आटा खरीदते हैं वो जानेंगे, जब गेहूं का आटा बनकर के आएगा तो सोचो उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। सवाल ये है कि उद्योगपतियों की मदद के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, किसानों की मदद के लिए लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहने आया हूं कि ये सरकार उद्योगपतियों की है, हमारे गरीबों की नहीं है। और मैं यहां तो लाल लाल टोपी सरों पर देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमें समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं। ये जितने लोग बैठे होंगे इनके घरों में लाला सिलेंडर भी होगा। कोई ऐसा गरीब नहीं जिसको सिलेंडर सरकार ने न दिया हो। बताओ आप दोबारा सिलेंडर कितने दिनों बाद भरवा पाते हो? जिस समय सिलेंडर दिया गया था तो बताओ सिलेंडर की कीमत क्या थी भरवाई? 400। और आज अगर आप भरवाने जाओगे तो बताओ कितनी है कीमत उसकी? 1200। हमारे यहाँ जो पुरुष या हमारे बुजुर्ग खड़े हैं बैठे हैं वो जाने न जाने, लेकिन जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी वो जानती होंगी कि अभी भी उनके घरों में खाली सिलेंडर पड़ा होगा, वो भरवाया नहीं होगा उन्होंने। बताओ माताओं बहनों आपने भरवा लिया कि नहीं भरवा दिया? ये योगी जी का सिलेंडर कभी भरा नहीं जाता। नहीं भरा गया। आलू छड़ का खेतन मां। ये योगी जी का सिलेंडर गरीब लोग नहीं भरवा पा रहे हैं। नहीं भरा। और आपके पड़ोसी लोकसभा में तो एक सिलेंडर वाली सांसद थी, जब कभी आंदोलन प्रदर्शन करना होता था तो वो सिलेंडर लेकर के निकलती थी। बताओ वो सिलेंडर वाली सांसद कहाँ है आज? अमेठी में। न केवल सिलेंडर महंगा हुआ है बल्कि डीजल पेट्रोल की कीमत सोचो आप क्या है आज।
डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, बिजली का बिल कितना हो गया, एक बिजली का बिल नहीं बनाया, कारखाना नहीं लगाया।